गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग साइंस वर्क रेगुलरली। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज एंड पार्ट डी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5। टुडे वी विल डू पार्ट ई क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। फर्स्ट इज रिवर्सिबल चेंज। A change in which substance can get back to the original form, like freezing of water. Reverse means get back to original form. अगर कोई भी object original form में वापस आ जाता है, that means change is reversible. Next is irreversible change. Irreversible means a change in which substance cannot get back to the original form. Irreversible name से clear हो रहा है बेटा। अगर कोई object original state में वापस नहीं आता, that means this change is irreversible. For example, getting older. Older means जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े से हम वापस childhood stage में नहीं आ सकते. So this is a irreversible change. Next is formation of curd is irreversible as well as a chemical change. Irreversible means substance cannot get back to the original form. उसके साथ साथ बताने की chemical change भी है. बिकॉज मिल्क कैन नॉट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब कह रहे हैं कि मिल्क अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। उसके साथ साथ आपको बताना है कि केमिकल है। केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर न्यू सब्सटेंस क्या बन रहा है, पहले मिल्क लिक्विड फॉर्म में था, बट जब मिल्क से कर्ड बन गई तो कर्ड कैसी है, सेमी सॉलिड है और स्टेट डिफरेंट होगी। As you know that there are three state of matter, solid, liquid and gas. पहले milk था liquid state में, और जब milk से curd बनी तो इसकी state change हो रही है। liquid से क्या बन जाएगी, अब ये semi-solid। state change हुई, taste change हुआ, so this is a chemical change. Chemical means new substance बन रहा है with different properties. तो milk का curd में convert होना, this is irreversible as well as chemical change. इरिवर्सिबल क्यों बताया, क्योंकि ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पा रहा सब्सटेंस, मतलब जो कर्ड है कर्ड से वापस मिल्क नहीं बनेगा। एंड सेकंड हम बता रहे हैं केमिकल चेंज है। केमिकल का मतलब आपको सेमी सॉलिड मटेरियल बन रहा है, और सेमी सॉलिड मटेरियल मींस इसकी स्टेट डिफरेंट है। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल इज अ नेचुरल चेंज, क्लासीफाई इट एज फिजिकल और केमिकल। अब आपको बताना है वाटर जो है, वाटर साइकिल फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है। ऑब्वियसली वाटर साइकिल इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्यों है, बिकॉज इन वाटर साइकिल फर्स्टली वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर्स। सबसे पहले वाटर किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में, और फिर कंडेंस्ड होने के बाद, कंडेंस्ड मीन्स कूल डाउन होने के बाद में वेपर्स फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में। जैसे रेन होती है, बारिश होती है ना, बारिश कैसे होती है, सबसे पहले वाटर इवेपोरेट होगा फ्रॉम लेक रिवर्स बाय द सनलाइट। सनलाइट से वाटर इवेपोरेट हुआ रिवर्स का लेक का, फिर जो वेपर्स बने, वेपर्स ऊपर जा कर के कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस्ड मीन्स कूल डाउन होना। और वेपर्स जब कूल हो जाएंगे तो ये कूल वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फिर से वाटर में। सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। आपको कुछ भी नया नहीं मिल रहा है इसके अंदर, वही वाटर वेपर्स बन गया, फिर वेपर्स से फिर वाटर बन गया, तो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। सेकेंड कह रहे हैं कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ऑब्वियसली रिवर्सिबल होगा, क्योंकि वेपर्स वापस वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिवर्सिबल का मतलब इफ सब्सटेंस कैन गेट बैक टू ओरिजिनल स्टेट। अगर सब्सटेंस अपनी वापस स्टेट में आ जाता है, दैट मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। वाटर साइकिल इज अ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल क्यों होगा, क्योंकि वेपर्स जो हैं वो फिर से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर में। तो इन दिस सब्सटेंस गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। इस केस में क्या हो रहा है, सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हैं, सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। सो इट इज क्लियर टू यू, वाटर साइकिल इज फिजिकल एज वेल एज रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल मीन्स नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एंड रिवर्सिबल मीन्स वाटर वेपर्स आर कन्वर्टिंग बैक टू इन वाटर्स अगेन। सब्सटेंस आर गेटिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन वी से दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बट द ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। व्हेन कैंडल बर्न्स वैक्स गेट चेंजेस इनटू वेपर्स।
जब आप कैंडल को बर्न करोगे तो जो कैंडल की वैक्स है वो वैक्स किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर्स में और लिक्विड फॉर्म में। मतलब आपको कैंडल वापस वैसे नहीं मिलती है, कुछ टाइम के बाद में कैंडल का साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने का मतलब केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। केमिकल चेंज होने की वजह से जो कैंडल है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गई और लिक्विड फॉर्म में। बट व्हेन वी स्विच ऑन बल्ब, जब आप बल्ब को स्विच ऑन करते हो, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। इन दिस केस नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म। बल्ब को स्विच ऑन करो, ऑफ करो, आपको कुछ भी नया नहीं मिल रहा है इसके अंदर। सो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल का मतलब जब आपको कुछ भी नया नहीं मिलता, दैट मीन्स दिस इज अ फिजिकल चेंज। बट केमिकल में आपको न्यू सब्सटेंस मिलेगा। सो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। केमिकल क्यों बताया? क्योंकि आपको न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। जब आप कैंडल को बर्न कर रहे हो तो वैक्स जो है, कैंडल की जो वैक्स है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वेपर्स में एंड लिक्विड फॉर्म में। तो जब वेपर्स और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसमें केमिकल चेंज हुआ। बट जब आप बल्ब को स्विच ऑन और ऑफ करते तो आपको बल्ब में कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता। सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। अगेन लिसन केयरफुली। इन फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गिविंग दैट व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल मीन्स इफ अ सब्सटेंस गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ वाटर। एंड इरिवर्सिबल मीन्स इन विच सब्सटेंस कैन नॉट गेट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग ओल्डर। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज इरिवर्सिबल एज वेल एज केमिकल। इरिवर्सिबल मीन्स कर्ड विल नॉट कम अगेन इन मिल्क। कर्ड वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं होगा। सो दिस इज इरिवर्सिबल। केमिकल मीन्स न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग इन दिस। मिल्क इज इन लिक्विड स्टेट बट कर्ड इज सेमी सॉलिड। सो स्टेट इज गेट चेंज, स्टेट चेंज हो गई। दिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। उसके बाद आपसे पूछा गया था वाटर साइकिल इज अ नेचुरल चेंज, क्लासीफाई फिजिकल और केमिकल। सो वाटर साइकिल इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल मीन्स नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। आफ्टर दैट ही इज सेइंग वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ऑफ कोर्स रिवर्सिबल, बिकॉज वेपर्स कन्वर्ट इन टू वाटर अगेन। सो सब्सटेंस इज गेटिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो वाटर साइकिल इज इरिवर्सिबल। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज वैन वी बर्न द कैंडल वैक्स गेट कन्वर्टेड इन टू वेपर्स एंड इन लिक्विड फॉर्म। सो सब्सटेंस कैन नॉट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। बट ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज, बिकॉज इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म। सो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज। So today your work is you have to write and learn part E question answer of chapter 5 and prepare chapter 5 for test. Tomorrow there will be test of chapter 5. Okay, and have a nice day.